आपका फैसला पूरे देश में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित कर देगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में भी इससे ऊंचा कभी नहीं हो सकता। पर क्या आपको लगता है आपका यह फैसला देश के हित में होगा? देश हित के लिए ही हमने ये फैसला किया है। आप देश को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ एक बात, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। यह कहना चाहता था कि वकील के मिलने का समय समाप्त होता है। इंकलाब जिंदाबाद। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी के लिए पेश किया जाए। अब तो रब का नाम ले ले। माफ करना पाजी, न तो मुझे रब का यकीन है न मौत का खौफ। ये बड़ा नेक और चंगा इंसान सी करुण की कर सकते की कर सकते। वाहेगुरु मेहर करे। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मौत को भी हंसते हुए गले लगा लेंगे। बहुत खुश नसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी।
देश के लिए कोई आखिरी संदेश? साथियों, जाहिर सी बात है, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। हमने अपनी मौत लिखने के बाद इस क्रांति की शुरुआत की थी। क्रांतिकारियों को मरना ही होगा, तभी उनका अभियान और मजबूत होगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? हम तीनों एक बार गले मिलना चाहते हैं। चलो खोल दो। कभी उसका उजाला कम ना हो।